दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। बल्लभगढ़ मुकेश कॉलोनी में ये मंदिर है, देखिए मूर्ति मंदिर भोलानाथ जी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने से जो भी मान्यताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं भोले जी के दर्शन के लिए। तो हम भी दर्शन करेंगे, आइए चलते हैं। और हम चाहेंगे जो भोले जी का आशीर्वाद आप सब पर भी बना ही रहे, क्योंकि भोले जी की महिमा अपरंपार है। जो भी इस मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए उसकी मान्यता पूरी होती है। शनि देव का भी मंदिर है यहाँ पर, देखिए दिया विया भी सब जलाते हैं। इधर देखिए बड़ का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, दो दो पेड़ हैं। और इधर मंदिर है, देखिए भक्तजन यहाँ पर पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, ये देखिए भगवान की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, ये भोलेनाथ जी की मूर्तियाँ हैं। मुकेश कॉलोनी में ये मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि मान्यताएं पूरी होती हैं। ये देखिए दुर्गे जी की मूर्ति है, सबकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, दिखाइए कैमरामैन। अब ऐसा हमें बताया गया था कि यहाँ पर मान्यताएं पूरी होती हैं, अब कुछ लोगों से बातचीत करेंगे तो वही बताएंगे। नमस्कार जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, ऐसा कहा जाता है जो मंदिर में आता है मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, तो आप भी मानती हैं इस बात को? हाँ, हम भी मानते हैं, सबकी जो मंदिर में आते हैं सबकी मान्यता पूरी होती है। आप कब से आते हैं यहाँ पर? मुझे तो हो गई 8-7 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि मान्यताएं पूरी हो रही है। आप भी अम्मा कब से आते हो यहाँ पर? मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं हमारा तो बुजुर्गों का ये गद्दी पे गद्दी चला आ रहा है। मान्यताएं पूरी होती हैं? हाँ, बहुत मनोकामना पूरी हुई है, बहुतों की हुई है। सर बताइए क्या नाम है? मेरा विनोद है जी। आप भी मानते हैं कि मान्यताएं पूरी मानते हैं और काफी साल से आ रहे हैं हम, और भगवान से जो भी मांगते पूरा मिलता है। चलो अच्छी बात है। देखिए इधर भी कई भक्तजन है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। आप यहीं के हैं, मंदिर में आते हैं आप लोग? नमस्कार। ऐसा कहा जाता है मान्यताएं पूरी होती हैं। हाँ भैया, यहाँ भोले जी की महिमा यहाँ पर। हाँ जी, बहुत कृपा बनी हुई है भगवान जी की यहाँ पे। अच्छा, मान्यता पूरी होती है, जो भी मांगो। आप सर आइए थोड़ा सा आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं पंजाबी वड़े। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भोले जी आशीर्वाद बरसाते हैं जो भक्तजन इस मंदिर में आते हैं। जी बिल्कुल बरसाते हैं। हाँ जी बिल्कुल मानता हूँ, काफी पुराना मंदिर है। ठीक है जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले ये इनके वो थे, ठीक है, दादा ससुर थे, वो इनपे मंदिर पे रह रहे थे, फिर इनके पिताजी, फिर अब ये माता जी सेवा कर रहे हैं। यानी काफी पुराना है, छोटा लेकिन काफी पुराना है। जो भी श्रद्धा से आता है, पूरे प्रेम विश्वास से आता है, मान कि मेरे को ये चाहिए, भोलेनाथ वो ही देते हैं। बिल्कुल जी। ये मैडम जी भी हैं, मैडम जी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप भी कुछ बोलिए, मान्यताएं पूरी होती हैं ऐसा कहा जाता है? मान्यता पूरी होती है, मैंने तो देखा है, बहुत लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, वो बाद में आते हैं दोबारा कहने के लिए जो हमने मन्नत मांगी थी वो हमारी पूरी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपकी चाहे कोई पूरी दिनों में पूरी हो लेकिन हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है। आप कहाँ रहती हैं मैडम? मैं ही रहती हूँ मुकेश कॉलोनी में। मुकेश कॉलोनी में। तो आपकी भी कुछ मनोकामना पूरी हुई? मेरी मनोकामना सब पूरी हो गई। खुश दिख रही है, इसका मतलब है भोले जी की आप पर कृपा है। देखिए जो भी भक्तजन है वो यही कह रहे हैं कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान जी आशीर्वाद बरसाते हैं। मुकेश कॉलोनी बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी के पास ये मंदिर है। क्या कह रही थी? आइए मैडम, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हाँ, ऐसा कहा जाता है भोलेनाथ जी कृपा बरसाते हैं भक्तों पर यहाँ पर। जी पक्के भगत आते हैं। जो मैं तो उज्जैन कॉलोनी में से आती हूँ, पिछले मंदिर को भी छोड़ गए यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल वास्तव में शांति मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ पे आके, एकदम मन शांत हो जाता है घर जाके। और भगवान जो कुछ मांगते हैं वो दे ही देते हैं भोलेनाथ। चलो अच्छी बात है। देखिए वैसे तो मंदिर में सभी मंदिरों में भगवान जी रहते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में उनकी खास कृपा रहती है भक्तों पर, तो वहाँ पर जो भी भक्त जन आते हैं वो कृपा बरसाते हैं। और इस मंदिर में भी कहा जा रहा है कि भोलेनाथ जी की कृपा बरसती है, आशीर्वाद बरसता है भक्तों पर और मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो भी सब्जी मंडी के आसपास रहता है, मुकेश कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़ के भक्तजन इस मंदिर में आ सकते हैं। शांति भी मिलती है, मनोकामनाएँ भी पूरी होती हैं। तो आप भी अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, भगवान जी का दर्शन कीजिए, आप यहां पर ज़रूर आ सकते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।